चिकन के साथ मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। आज की रेसिपी उसी में से एक है, चीजी हॉट चिकन। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू रूमो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चिकन पीसेस धो के ड्राई कर लेंगे। एक कांटे की मदद से इसमें पोक कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पेस्ट, नमक, काली मिर्च, फेटा हुआ अंडा और छाछ मिला लेते हैं। चिकन पीसेस इसमें डाल के मैरिनेट कर लेते हैं कम से कम 30 मिनट के लिए। कोटिंग के लिए एक कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक मिला लेते हैं। चिकन इसमें कोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे पीसेस दोबारा कोट कर लेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें आधा कटा हुआ प्याज तल लेते हैं, इससे तेल का स्मेल चला जाएगा। अभी सावधानी से तेल में चिकन डाल लेते हैं, फ्लेम मध्यम रहेगा। अभी इसको ढक के 8 से 10 मिनट तक पका लेना है और हर 2 मिनट में चिकन को फ्लिप करते रहना है। सावधानी से तेल से निकाल लेते हैं फ्राइड चिकन। सॉस के लिए पैन में 1 चम्मच बटर या तेल ले लेते हैं। इसमें स्लाइस किया हुआ लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अभी इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल के फ्राई कर लेंगे। चिली पेस्ट डाल के इसको मिला लेते हैं।
अब इसमें जाएगा विनेगर, सौंफ पाउडर, कश्मीरी पेपरिका। पानी के साथ सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें स्लाइस्ड प्याज और शिमला मिर्च डाल देते हैं। और नमक मिला के पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। मिर्ची का टेस्ट बैलेंस करने के लिए मिलाएंगे शहद। अब जी भर के डालिए चीज। और सॉस रेडी।